हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान का, क्योंकि सीरीज ही चल रही है, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी अर्थ देखते हैं और कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उनकी डिफिनेशन ले लेते हैं, परिभाषा। साथ ही साथ में हम इसमें देखते हैं आवश्यकता और इसके क्षेत्र के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर ले लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता और क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, चलिए आज ले लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम, या हमें जब टीचर बनना होता है तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ना पड़ता है? मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और फिर उसके लिए आपको एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं, आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ना पड़ता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं, क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। तो देखिए यहाँ पे है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही और मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह विज्ञान है, वह साइंस है आपके, क्योंकि मनोविज्ञान भी साइंस ही होता है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह विज्ञान है जहां पे शिक्षा की समस्याएं, इसीलिए क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो क्या करेंगे, आप शिक्षा ही तो देंगे ना। हम टीचर बनेंगे, हम टीचर हैं तो क्या कर रहे हैं, शिक्षा ही तो दे रहे हैं। हम आपके टीचर हैं तो हम आपको क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो समस्याएं होती हैं पढ़ाते वक्त एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में, ठीक है, तो उन समस्याओं का विवेचन करना, यानी कि उनको डिस्क्राइब करना, विश्लेषण करना, समाधान करना, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। एक तरह से साइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, ये माइंड का काम होता है, बुद्धि का काम इससे जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा की समस्याओं की विवेचना, विश्लेषण एवं समाधान करना बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं को, उनके विश्लेषण, विवेचना, उनका समाधान करता है, जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए शिक्षा को देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान से पृथक नहीं माना गया है, आप अलग नहीं कर सकते हैं। और मनोविज्ञान को जो है दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, हम पढ़ते हैं। तो दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, तीनों ये चीजें जुड़ी हुई हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में भी सहायता मिलती है। व्यक्ति का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है, ये पता है, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, हम शिक्षा के साथ साथ में व्यक्ति का विकास भी तो पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होगा, ये माना जाता है, उसका विकास उतना ज्यादा होगा, इन सोसाइटी में उसका जो पद है उतना ज्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि यदि वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो 100% वो कुछ ना कुछ जॉब या बिजनेस करेगा, अर्निंग करेगा और अपने परिवार का स्टेटस ऊंचा करेगा, उसका जो स्टेटस है वो ऊंचा होगा, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे स्किनर की परिभाषा ले लेते हैं कि स्किनर ने क्या कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि शैक्षणिक। अब देखिए मनोविज्ञान में क्या होता है कि किसी भी परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मनोविज्ञान के साथ में शिक्षा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए जब शिक्षा शब्द जुड़ गया मनोविज्ञान के साथ में, तो यहाँ पे शैक्षणिक परिस्थितियां हो जाएंगी, यानी कि एक स्कूल में पढ़ाते वक्त जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उनमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या किसका काम होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। और शिक्षा मनोविज्ञान का अपना अर्थ शिक्षा से है, जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, एक बच्चा किस तरह का है, क्या है, उसको क्या पसंद है, उसकी रुचियां क्या है, ठीक है ना, किस तरह से उसको पढ़ाया जाए कि उसके समझ में आ जाए, क्योंकि एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, अलग तरह के, अलग माइंड के होते हैं, अलग स्टेटस के होते हैं, तो सबको पढ़ाने का तरीका जो होता है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो तभी डिपेंड करेगा जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक तरीका भी होता है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, और व्यवहार संबंधी विज्ञान भी होता है मनोविज्ञान। ओके, क्रो एंड क्रो के अनुसार देख लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डिफिनेशन जो है, परिभाषा जो है पूछी जाती है, और परिभाषा दे दी जाएगी और पूछ ली जाएगी किसकी है। तो अब यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन का व्याख्या करता है, यानी विकास।
शिक्षा जो होता है व्यक्ति के विकास करने में सहायता करती है। उन्होंने सीधे शिक्षा मनोविज्ञान को विकास से जोड़ दिया, क्योंकि विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। उन्होंने यहाँ पे से वृद्धावस्था कहा है, ठीक है ना। इसी तरह से जेम्स ड्रेवर का भी यहाँ पे दिया हुआ है और एलिन क्रो का भी दिया हुआ है, लेकिन मेन हमें देखना था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं की विवेचना करना, विश्लेषण करना और जो समस्या होती है उनका समाधान ढूंढता है। यदि हम भारत की नजर में देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अभी तो हम बाहर की नजर में देख रहे थे, फॉरेन की नजर में देख रहे थे जो, लेकिन अगर हम इसको अपने देश में भारत की नजर में देखें, शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होगा वो उतना ज्यादा ज्ञानी होगा, ऐसा कहा, भारत की बात यहाँ चल रही है। और गांधी जी ने तो कह ही दिया है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। और गांधी जी ने यहाँ पे कहा है कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसका मतलब ये होता है कि वो शरीर, मन और आत्मा से क्या है, विकसित है, ठीक है ना, क्योंकि वो शिक्षित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने अधोलिखित तथ्य दिए हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को यदि हम यहाँ पे विश्लेषित करें, डिस्क्राइब करें, तो यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, और इन्होंने अपने डिफिनेशन में भी ये चीज कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तत्वों का संग्रह होता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है, और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों के प्रयोग को आधार प्रदान करती है। तो अगर यहाँ पे मेन एक कंक्लूजन निकालते हैं स्किनर का, तो स्किनर ने यही कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव का व्यवहार होता है, और मानव का व्यवहार, जो मानव का अगर व्यवहार, तो उसमें परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में खोज और निरीक्षण भी इसमें किया जाता है, होता ही है, अन्वेषण वगैरह इसमें किए जाते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार के साथ साथ में खोज और निरीक्षण भी किए जाते हैं, और फिर यहाँ पे जब खोज और निरीक्षण होते हैं तो सिद्धांत का रूप ले लेते हैं, फिर जो समस्याएं होती हैं शिक्षा संबंधी उनका समाधान भी किया जाता है। तो ये स्किनर ने यहाँ पे कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मनोविज्ञान जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है मनोविज्ञान की, ठीक है। तो यहाँ पे कैली ने कहा है, कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्न अनुसार बताया है कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु। तो मैंने कहा ना कि क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, अब कैसे आप जानेंगे कौन सा बच्चा किस तरह का है, कौन सा मेथड, कौन सी विधि, कौन से सिद्धांत उसको पसंद आ रहे हैं, या हम जो पढ़ा रहे हैं उसके समझ में आ रहा है। तो इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो होती है वो सहायक होती है। तो बालक के स्वभाव का, नेचर का, रुचि का जो होता है ज्ञान प्रदान करने हेतु होता है। बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी जरूरत होती है मनोविज्ञान की। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित करना। अच्छा, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5th या 6th क्लास में अभी न्यू आया है पढ़ने के लिए, वो पहाड़ी इलाके से आया हुआ है, वहां का एनवायरमेंट, जो उसको वातावरण था वो पहाड़ी था, अब ये मैदानी इलाके में आया है, तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस होगा उसके स्टडी के बीच में, उसके नेचर में। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है, क्योंकि टीचर का काम होता है उसको समझना और समझाना, क्योंकि धीरे धीरे वो एडजस्ट होगा लेकिन टाइम लगेगा। उस दरमियान शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा जो है यहाँ पे काम करेगी साथ में मनोविज्ञान मिलके। सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराता है। संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन होता है। चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना, और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना, ये सभी चीजें जो होती हैं मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। कि मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता है, क्या जरूरत है शिक्षा में मनोविज्ञान की, तो इसीलिए बालक के नेचर को, स्वभाव को जानने के लिए, बालक किसी अदर इन्वायरमेंट से, वातावरण से आ रहा है तो सामंजस्य स्थापित कर सके, पहाड़ी से मैदानी इलाके में आ रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मनोविज्ञान काम करेगा, साइकोलॉजी यहाँ पे काम करती है। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य जो होते हैं उनसे परिचित होने के लिए, सीखने सिखाने के जो सिद्धांत होते हैं उनकी विधियों से अवगत कराने के लिए, कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए, टीचर किस तरह, क्योंकि टीचर को भी सीखना पड़ता है, इनकी भी ट्रेनिंग होती है, तो किस तरह से सीखें, तो ये चीजें मनोविज्ञान के माध्यम से ही वो समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। संवेग जो होते हैं यानी दुखी, दुख होना, सुखी होना, क्रोध, गुस्सा, भय, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। सभी बच्चे उद्दंडी होते हैं, टीचर का काम होता है वहां पे अपने आप को नियंत्रण में रखना, ठीक है ना, आवेग में नहीं आना, क्रोध में नहीं आना,
जो संवेग होते हैं उनको नियंत्रित करना, तो मनोविज्ञान के माध्यम से ही उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे मनोविज्ञान की जो है आवश्यकता हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने दो चीजें ली है, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा ली है और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं और मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है ये लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को भी थोड़ा सा ले लेते हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान व प्रविधियां यानी तकनीकें जो होती हैं आ जाती हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझाने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे स्किनर ने यह कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब यहाँ पे क्षेत्र से मतलब वो है कि शिक्षा में जो भी तकनीकें अपनाई जाती हैं, जो भी ज्ञान दिए जाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब ही होता है कि शिक्षण और सिखाने की जो पद्धति होती है उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे जो तकनीकें हैं, जो ज्ञान है, उनसे संबंधित जो सीखने की प्रक्रिया होती है उनको अच्छी तरह से समझाया जाए निपुणता के साथ में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्षेत्र अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ पे हम पहला क्षेत्र देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका वंशानुक्रम, क्योंकि वंशानुक्रम जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वंशानुक्रम एक, क्योंकि आप यहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट की बात चल रही है, तो एक बच्चे को जो है वंशानुक्रम क्या करता है, प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम बच्चे के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर विकास यानी डेवलपमेंट, विकास जो होता है एक बच्चे का भी विकास होता है, किस तरह से होता है वो हम शिक्षा मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी चीज है ये, तो इसमें हम पढ़ते हैं। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होती है क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते हैं। व्यक्तित्व पर्सनालिटी, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, हर एक बच्चा गुण दोष, भले वो सगे भाई बहनी क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी पर्सनालिटी जो होती है उनकी अलग होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कुछ व्यक्ति जो है सांवला है, लेकिन हो सकता है कि गोरे व्यक्ति से वो सुंदर लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डील डॉल कद काठी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसे बोलते हैं पर्सनालिटी, लंबाई अच्छी चौड़ाई, तो कहते ना यार इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस और मानसिक स्वास्थ्य, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और यहाँ पे मापन मूल्यांकन, मेजरमेंट एनुलेशन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान, किशोरावस्था, ये सभी जो है क्षेत्र हैं किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। और शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं उनके समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है, ठीक है, और यही सब समस्याएं उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बनते हैं। तो हमने यहाँ पे 14 कार्य क्षेत्र, किशोरावस्था 14 कार्य क्षेत्र यहाँ पे हमने देखे किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही जो कार्य क्षेत्र होते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट में एक एक करके पढ़ते हैं, यानी कि बाल विकास में पढ़ते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही लेते, अगर ज्यादा लेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज की वीडियो में हमने लिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, फिर इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, और फिर इसका क्षेत्र क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ही क्वेश्चन लेके आएंगे, उन्हें थोड़ा सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।